गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नई व्लॉग के साथ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में। पहाड़ी पैराडाइज में पवन पहाड़ी के पप्पा बना रहे हैं चाय, ब्लैक टी दगड़ियों। आज ऑरिजिनल ड्यूड लगा है और ये कोरोना काल से ना काढ़ा पीने की आदत पड़ गई है। ठीक है, काढ़ा बोले तो ब्लैक टी, ठीक है, जिसमें दूध का यूज नहीं होता है। तो ये खाली अदरक का पानी पप्पा अपने लिए बना रहे हैं। कल हमें मामी लोगों के वहां से लाई लेके आए थे दोस्तों। ऐसी लाई तो मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों। तुमने देखी थी पहले ऐसी लाई? इसी बार चली है बाजार में मेरे घर। ये देखो, ये किस टाइप की लाई होगी, लेकिन ये टेस्टी बहुत हो रही थी। मामी ने बना के खिलाई थी। अब घर में होना, जब मम्मी आता है मैं दिन चाहा तुम्हारे। ये सब ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ सही कह रहे हो, ये ज्ञान आएगा करके ही तुम्हें हजारी भेजा है मम्मी ने ना। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। वहां पर तो ऐसे दो घुटने ऐसे मोड़ के बिल्ली को गोद में बैठा के है लियो चाह पियो। यो नमस्कार, सब पूरा है भैया। रोज पुरु नंबर उन्होंने ताया काम है अमर। ले आप उन्होंने बात कर निशा लग गया उन्होंने। कर ले बात, कर ले मोहल ली जाए आप। बढ़िया मोहर देखना यार। हे आप देखियो ना, आप देखियो रहो। तो पापा बिना करवा चौथ मनाते हुए तुम बिना निश्वाही रहो बिराओ। अच्छा तुम ना निश्वाही लिया आई। बाल लाल बड़ा भी लाए क्यों दगड़े, साथ में दाढ़ी भी सेट करवा दी। कैसा लग रहा हूँ? आज हम रोटी खा रहे हैं क्योंकि भात खाने का निमंत्रण कहीं और है। तो आज हमारे ताऊजी के, मतलब हमारे गांव की ताऊजी है, उनके लड़के की शादी है, तो वहां हमको शाम को जाना है। तो दो टाइम का भात सर्दियों में सही नहीं रहता है दोस्तों। तो हमने कहा कि अभी रोटी बना रहे थे, वहां दबा के पुलाव पनीर सूतेंगे। पनीरा टुकड़ा टुकड़ निकालू दगड़े मैच मैच और छोड़ दू। क्या पहनोगे आज? बस वही कपड़े नॉर्मल। तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो यार पापा। नॉर्मल कपड़े। ये देखो पापा हमारे कितने स्मार्ट लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों दिन के 12 बज रहे हैं और मैं अब रेडी हो चुका हूँ हॉस्पिटल के लिए। इसको दिखाने नहीं, बॉस जी को दिखाने जा रहा हूँ। उनका आई टेस्ट करवाना है क्योंकि सर दर्द रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नज़र कमज़ोर होने की वजह से या चश्मे का नंबर बढ़ जाने की वजह से या फिर कहीं मोतियाबिंद की शिकायत होने की वजह से तो सर दर्द नहीं बनता है, क्योंकि ये होता है ना, ये नसें जुड़ी रहती हैं। तो उसका आई टेस्ट वगैरह करवाना है पापा का। पापा रो मत, आपकी बहू अच्छी आई है, रो मत। तो भाई पप्पा की आंखों में दवाई डाल रखे तो उसे थोड़ा धुंधलापन आता है। तो दगड़ियों हॉस्पिटल में आ गया, रंजना सौर का हॉस्पिटल में आ गया दगड़ियों। ये डिस्चार्ज हो गए पप्पा एक घंटे के अंदर। पापा कैसा लग रहा है आंखों में? अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो आंखें धुंधली धुंधली है। जैसे ही हम हॉस्पिटल से आए दोस्तों, बहू ने यहाँ पे चाय रख दी है। ये देखो इतना अंतात में पहले से था या अब आया है? अब आया। ये पापा भी खुश हो रखे हैं, खुश हो रखे हैं। चाय के बारे में कुछ नहीं बताया आज तक मुझे। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी तुमको? इतना अंतराल है मुझे, ऐसे थोड़ी जीवन में मैं आगे बढ़ी हूँ। ये तो यहाँ पता है दुनियादारी कैसे चलती है। चाय के साथ मम्मी के पुए चल रहे हैं। हाँ तो भाई शाम के बज रहे हैं 8 और हम बारात के रेडी हो रहे हैं। रंजना का ऑफिस चल रहा है दोस्त, पैजाम के एक बाँव प्रेस कर दी है, एक बाँव अभी वैसी रही है दगड़ियों। तो कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो निपटा रही है। बॉजी को मैं विवाह स्थल पे छोड़ आया हूँ, मतलब जहाँ से बारात निकलेगी हमारे ताऊजी के घर छोड़ आया हूँ। नहीं तो वैसे भी कहते कि यहाँ नहीं आए, भैरभैरी आए, भैरभैरी खाया, भैरभैरी चले गई। बहुत ध्यान रखना पड़ता है खासकर पहाड़ों में, गाँव की शादी में दगड़ी। और अच्छी बात भी है, अगर निमंत्रण दिया है ठीक है तो घर पे होना चाहिए, बाहर बाहर का। जैसे आजकल चलता है ना कि अपन स्कूटी स्टार्ट गए फटाफट खा, कई लोगों को तो मतलब बर बियोलियों का नाम भी पता नहीं होता, वो न्यूट खा के आ जाता है। तो सही नहीं है, अगर किसी ने निमंत्रण किया है, आपको बुलाया है, तो उनसे मिलो, उनके पारिवारिक जनों से मिलो, वर वधू को आशीर्वाद दो, ये एक तरीका होता है। तो मैंने कहा पापा मैं रंजना को लेके बाद में आऊंगा, उसका ऑफिस हो जाएगा, तब तक तुम तब तक जाओ और ताऊजी लोगों से भेंट घाट करके आओ। तुम्हें पता है दूल्हा
दूल्हा उसका दूल्हे का नाम है शिवांश और लड़की का नाम है शिवांगी। वैसे शिवांश नाम उसका सर्टिफिकेट का होगा, वैसे उससे हम नितिन बोलते हैं, मेरा भाई हुआ वो। नहीं लड़के का तो पता, लड़की का पता शिवांगी। ठंडा हो रहा है दोस्तों बाहर, तो स्कूटी में तो नहीं जा सकते, पर बाड़ी स्कूटी में थोड़ा जाएगा यार तो आ तो थोड़ा सा हल्का सा लगा के रखा तो मर तो ये हिम्मत नहीं आ रही है, हैंडल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। अभी हमारे गुरुजी आ रहे हैं, जब भी हम किसी मजदार में फंसे होते हैं दोस्तों तो हमें तारने के लिए गुरुजी आ जाते हैं। तो लॉर्ड ऑल्टो से आज हम विवाह स्थल की ओर जाएंगे और गुरुजी भी वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह डांस करेंगे अपना ठाकुर फैलाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो है वाटर कलर ऐसी तो आता था वो सात रंग होते थे, एक ब्रश भी आता था इसके साथ। फाइनली दोस्तों पहाड़ी पैराडाइज में हमारे गुरुजी पहुंच चुके हैं। जो गुरुजी की जीन्स है दोस्तों मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन करी है और जो जैकेट है तकड़े तन्मय भट्ट ने डिजाइन कर रखी है। इसमें निशान लग गया था। अच्छा तो ये मैंने स्पेशल यहाँ लगा के बनाया है ये। अच्छा ये रफू कर रखा है यहाँ पे। ये रफू कर रखा है एक तरीके से, क्या है कि ये यहाँ पर जब सामान आता है तो क्या होगा कि वो सामान में डिफेक्ट आ गया। अच्छा ये वापिस तो होता नहीं, तो यहाँ पर ये लगा रखा है, लेकिन लग नहीं रहा है मतलब कि लगा रखा होगा करके। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बरियात में और गाड़ी में चला रहा हूँ, पीछे मेरी ब्योली बैठी हुई है तगड़ियों। तो इस ब्योली को नई नवेली ब्योली, अब तो ये पुरानी वाली हो गई है दोस्तों, मार्केट में नई ब्योली आ चुकी है, तो उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। चलो सीधा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस गल पार करिया बज रही है यहाँ। आग तापने का भी इंतजाम कर रखा है, बस पीने खाने का भी करा दे तो मजा ही आ जाए। सर ये सब रिकॉर्ड होना तुम्हारे। आज यो खाना खान दिन रे। दीपू को जानते हैं? दीपू को दादी 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 मैं चुपन पहाड़ी पिथौरगढ़ में ये। तो दोस्तों अभी हम स्वीट डिश चख रहे हैं, ये आप देखें स्वीट डिश में आज पवन पहाड़ी जी की डाइट में है मूंग हलवा, मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा और गुलाब जामुन। ये आप देखिए कैसा हो रहा है। गुरुजी खुरु खुर खा रहे हैं ताकि कोई पहचान ना ले, क्योंकि बिना निमंत्रण के आए हैं। कोई बात नहीं, खाओ खाओ। मैं YouTube की तरफ से आया हूँ, बिना निमंत्रण के नहीं आया। कुत्तू 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 खा बंद कर रहे, मांग जाल नाना सो रहे थू। ठीक छो ना, ये अगो पुलाव और जो दाल छू दगड़ियो और ये है मशरूम मटर,
यो वाला साग मका बहुत बढ़िया लागो और ये मिक्स वेज है, ये गुलाब जामुन हो गया और ये मूंग दाल का हलवा। गोपाल भाई चाट वाले धामपुर जिला। क्या बात है, सर्टिफिकेट में आता था इतना बड़ा नाम। गुरुजी और पिताजी का यहाँ पे मिलन हो रहा है और गुरुजी मेरा रिपोर्ट कार्ड पूरा पापा को बता रहे हैं कि कैसी ट्रेनिंग। ये बरजी की ईजा है तो इनको बहुत बहुत बधाई। ताई जी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद आपको। आप ब्लॉग में भी आओगे ठीक है, पर मैं आना भी वैसे चाहिए। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ये मेरा है, हमारी सिस्टर ठीक है, बरजी की बहन भी है, मेरी बहन भी है। बहुत अच्छा लगा, अभी IIT खड़गपुर से PhD कर रही है। बहुत अच्छा लगा मिल गया, अभी मयंक से भी मिलाऊंगा। अरे बुआ नीमा बुआ के साथ लो भाई वीडियो। ये पवन सुमित का है ना। सुमित तो डेनमार्क PhD का नाम। अच्छा अच्छा, पवन और वहाँ तीन ही देखा क्या नाम है पवन। एक बार मैं तुम्हारे वहाँ आयु बैग चल आयु यार। अच्छा तो एक फोटो शूट उधर हो रहा है और एक इधर हो रहा है देख, और यहाँ वाले में ज्यादा भीड़ है। मेरा और भी है, और हमारे बचपन का जिगरी दोस्त जिनके साथ हमने बचपन में क्रिकेट खेला है, मजे किए। मिलिए मयंक पाठक, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। जो रिजल्ट आए थे पिछले साल के, उसमें आपने देखा होगा कि मयंक पाठक करके लड़का मैंने फेसबुक में भी शेयर किया था, तो ये भाई है। तो इस बार इनको कौन सा कैडर हमारा? मैं उत्तर प्रदेश कैडर में हूँ अभी, और अभी आगरा में पोस्टेड है भाई, आगरा में भी। तो अगर आप कभी भी ताजमहल घूमने जाएं ठीक है, और हुमायूं तो पवन दा को जरूर याद करें, इनको जरूर याद। ताजमहल के जितने दीदार करने लोग आते हैं उससे ज्यादा पवन पहाड़ी के दीदार करने लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों की मतलब अपने परिवार से अपने खानदान से भी इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं भाई लोग। पवन दा बहुत यंग एज में। नहीं यंग एज वाली बात नहीं, तो यंग एज से तो हम आपको देख रहे हैं एकदम है, रामलीला से जो आपका सफर शुरू हुआ था ये तो आंखों की। और पवन दा उस जमाने में भी नोट के नोट लूट ले जाते थे रामलीला में, ऐसे कलाकार आदमी थे हमारे, तो हम तो सुनते ही थे। और आज मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भाई भाई के साथ मैंने क्रिकेट खेला है, और भाई अपना लंगोटिया आ रहा है, तो आज टच भी मत कर देना मेरे को ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी जूनियर भी आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इंदिरा गांधी को देखा था? ये देखो ये सामने इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये देख लो। तो दोस्तों बारात का भात खा के और बौजू को लॉर्ड अल्टो में बिठा के हम जा रहे हैं पहाड़ी पैराडाइज की ओर। सब डर तो नहीं लग रहा है? आज पहली बार थोड़ी तो ऐसा यार। अरे नहीं मतलब मेरे उसमें तो पहली बार बैठ रहे हो, डर तो नहीं लग रहा? पक्का ही बना रखा है। ये तो है, यहाँ से कहाँ कोई लेफ्ट है राइट है। हम दो लोग बच्चे बैठा ले। ए मम्मी और ये अम्मा का तो उसी दिन बैठा ही है।